टॉपिक्स ज्यादा नहीं है जहां से रेगुलरली क्वेश्चन पूछता है, बट क्वेश्चन उन्होंने लिमिटेड टॉपिक से रिपीटेडली पूछा है। सैलो फाउंडेशन में नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके वेरियस थे, वहां से नंबर ऑफ टॉपिक्स सारे टॉपिक्स उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट, अभी हमने देखा, फर्स्ट हमने देखा था स्टैटिक मेथड, सेकंड वन वी आर सीइंग डायनेमिक मेथड, और डायनेमिक में फर्स्ट हमने क्या देखा, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला। सो सेकंड वन इज हिलीज फॉर्मूला, हिलीज फॉर्मूला। सो हिलीज फॉर्मूला अगेन यहां पे हम लोग फाइंड करते हैं क्यू यू पी, एंड फॉर्मूला इज एन एच इंटू एन बी इंटू डब्ल्यू एच डिवाइडेड बाय एस प्लस सी बाई टू। ये फॉर्मूला है एन एच एन बी डब्ल्यू एच एस प्लस सी बाई टू, दैट इज क्यू यू पी। अब ये एन एच क्या है, इफिशियंसी ऑफ हैमर, दिस एन एच इज इफिशियंसी ऑफ हैमर, इफिशियंसी ऑफ हैमर। NB is efficiency of blow, efficiency of blow. Hammer की तो efficiency है ही, blow की भी efficiency होती, there is efficiency of blow also. So ये जो efficiency of hammer है, this NH will be equal to 1 for drop hammer. It will be nearly 0.75 to 85 for single acting hammer, and it will be 0.70 to 0.75 for double acting steam hammer. So ye hai aapke efficiency of hammer, whereas efficiency of blow jo hota hai, that means jo aapne hammer ko drop kiya uske blow se efficiency kya rahi hai, so that depends on W प्लस ई स्क्वायर पी बाई एस प्लस सी। वहां पे ई स्क्वायर डब्ल्यू प्लस पी सॉरी डब्ल्यू प्लस पी, यहाँ पे ई आपका एक टर्म होता है, दैट इज कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी, जब आपने एक कंडीशन देखा होगा कि व्हेन व्हीकल, जब दो व्हीकल की कोलिजन हो रही होती है, सो वो व्हीकल कोलिजन में वहां पे आप ई इक्वल टू जीरो और इक्वल टू वन कंसिडर करते हो, सो दैट इज कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आपने हैमर जो ड्रॉप किया पाइल पे, सो पाइल और हैमर कॉन्टेक्ट में आए, अब इनके बीच की कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितनी जनरेट हुई, जीरो टू वन के बीच में, ऑन दैट वैल्यू डिपेंड्स इफिशियंसी ऑफ ब्लो, वहां पर डिपेंड करता है आपका इफिशियंसी ऑफ ब्लो, सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो ये फॉर्मूला है, रेस्ट डब्ल्यू एच की आपको पता है एस प्लस सी, यहाँ पर सी नहीं है, सी बाई टू है, ये आपको ध्यान देना है, दिस इज सी बाई टू, वैल्यू सेम होंगे आपके, सी की वैल्यू डबल एक्टिंग के लिए 2.5, सिंगल एक्टिंग या सॉरी हैमर के लिए 2.5, सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग के लिए 0.25, रेस्ट वैल्यूज विल बी सेम, रेस्ट थिंग आर सिमिलर टू दैट ऑफ इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूले। यहां पे क्यू ए पी क्या होगा फिर, अलाउबल लोड, टोटल लोड कैपेसिटी विल बी क्यू यू पी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वैल्यू सेम होंगे, सो दिस क्यू यू पी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे हिलीज फॉर्मूला में, फॉर हिलीज फॉर्मूला दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेकन इज 3। ये ध्यान देना है आपको, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला में अगर FOS नहीं गिवन है यू विल कंसिडर 6, बट हिलीज फॉर्मूला में नहीं गिवन है देन यू विल कंसिडर 3। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3 फॉर हिलीज फॉर्मूलाज, वेयर एज इट इज 6 इन केस ऑफ इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूले। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बोली, एन बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू प्लस पी। सो ये क्या आपका, दिस ई वैल्यू इज, इसकी बात कर रहा था मैं, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो दिस वेयर द फर्स्ट टू फॉर्मूला, फर्स्ट टू मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पाइल लोड कैपेसिटी, पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखे, फर्स्ट वन वॉज स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड में हमने देखे फॉर्मूला क्ले और सैंड क्ले क्या है, फिर फाइल पाइल की शेप क्या है, इस पर डिपेंड कर रही है। वहां हमने एंड बेयरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन जो नॉर्मली हम निकालते हैं, दैट इज आवर एनालिटिकल और स्टैटिक मेथड। डायनेमिक मेथड में आपने वेट ऑफ हैमर और काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, इक्वल किया, और इसके थ्रू आपने फाइंड किया अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर दो डिफरेंट फॉर्मूलाज थे, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला एंड सेकंड वन इज हिलीज फॉर्मूला। नाउ थर्ड वन इज
type of test, field test के through भी आप find कर सकते हो. But before going to field test, we'll try to solve this question. Field test जो है वो हमारा second part. दो part है मैंने इसे divide किया pile foundation को. First part is static and dynamic method. Second part is test. And there one topic comes group efficiency. So group efficiency क्या है? Those test are what we'll see in our second part. So before that we'll solve this question. So इस question को solve करते हैं. Let's solve this question. So, यहाँ पे दो क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज प्रपोज टू ड्राइव एच पाइल्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 7 मीटर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट. एवरेज सरफेस एरिया गिवन है 3 मीटर स्क्वायर पर मीटर. और क्या गिवन है यहाँ पे? लेंथ इज गिवन. नो, द सॉइल एट साइट इज होमोजेनस सैंड. सॉइल एट साइट इज होमोजेनस सैंड हैविंग एन इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल ऑफ 32 डिग्री. फ्रिक्शन एंगल गिवन है. ग्राउंड वाटर टेबल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो ग्राउंड सर्फेस. 2 मीटर बिलो ग्राउंड सर्फेस है आपका. द यूनिट वेट ऑफ सॉइल अबव एंड बिलो ग्राउंड वाटर टेबल आर 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. दो कंडीशन दे रखे हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल अबव एंड बिलो ग्राउंड वाटर टेबल. फाइंड क्या करना है हमें? एज्यूमिंग अर्थ प्रेशर कोफिशियंट के इक्वल टू 1.0, ये वैल्यू 1 है, and angle of wall friction delta equal to 23 degree. This is 23 degree. The total axial frictional resistance mobilized on pile against driving is, they are asking frictional resistance. Frictional resistance हम लोग कैसे find कर सकते हैं? How can we find frictional resistance? Formula क्या था frictional resistance का? K gamma L by 2 tan phi into एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन. एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन यहाँ पे आप क्या लोगे? एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन यहाँ पे क्या लेंगे? वेदर वी विल टेक 4BL और वी विल टेक पाई डी एल. यहाँ पे आप क्या लोगे? 4BL और पाई डी एल. ऐसा कुछ है यहाँ पे? यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है 3 मीटर स्क्वायर पर मीटर लेंथ, सो दैट इज गिवन, और डेप्थ गिवन है 2 मीटर, सो विल डायरेक्टली टेक 3/2. यहाँ पे आपको वैसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इंटायर एरिया हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे. सो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? विल सी हाउ कैन वी फाइंड दिस सॉल्यूशन. सो क्यू सॉल्यूशन इसका सिंपल है. ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन की साइज देख के आप लोग ना डरा मत करो. क्यू यू पी फाइंड करो. यहां पे कैसे फाइंड कर सकते हैं? दैट विल बी सैंड है. फॉर्मूला क्या होगा? ए एस इंटू K gamma L by 2 tan phi. ये वैल्यू है. AS की वैल्यू यहां पे आप क्या लोगे? The average surface area of pile is 3 meter square per meter length. वो पर मीटर लेंथ के लिए है, पर मीटर लेंथ के लिए है. सो विल टेक इट एज 3 into 2. ओके, इंटू K की वैल्यू कितने गिवन है? 1. गामा एल की वैल्यू, गामा की वैल्यू यहां पे आप क्या लोगे? विच वैल्यू ऑफ गामा विल यू टेक? 16 or 19. वेदर यू विल टेक 16 और वेदर वी विल टेक 19. सो लेट अस टेक फर्स्ट 16 into L. लेंथ कितनी है? लेंथ गिवन है आपके क्वेश्चन में. वेदर लेंथ इज गिवन और नॉट, लेंथ क्या लेंगे आप? व्हाट वी विल टेक इट एज लेंथ? 2 मीटर ही लोगे, बिकॉज डेप्थ 2 मीटर है, सो विल कंसिडर एज 2 मीटर गामा एल बाई 2 इंटू टेन फाइव. टेन फाइव की वैल्यू कौन से लेंगे? ये 23 डिग्री डेल्टा लेंगे या फिर 32 डिग्री लेंगे? विच वन विल टेक? 32 डिग्री और 23 डिग्री. 23 लोगे आप या 32 लोगे? वी विल टेक वॉल फ्रिक्शन, हमें चाहिए वॉल फ्रिक्शन. वॉल फ्रिक्शन इज 23 डिग्री. ये वैल्यू आपके पास निकल के आया, विल इट बी द आंसर? क्या ये आंसर होगा? ये तो फर्स्ट पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट है आपका. सेकेंड पार्ट बिलो ग्राउंड वाटर टेबल अभी आपने यूज कहां किया है? सो विल एड इन दिस. अब इसमें आप एड करोगे, सेकेंड केस में एरिया क्या होगा आपके पास? सेकेंड केस में एरिया क्या होगा? सेकेंड केस में आपका एरिया होगा 3 into टोटल डेप्थ 7, जिसमें 2 मीटर डेप्थ पे आपके ग्राउंड वाटर टेबल फाउंड हुए थे. तो टोटल अगर ये 7 है, आई कंसिडर इट एज 7 मीटर. सो फर्स्ट 2 मीटर पे आपके ग्राउंड वाटर टेबल फाइंड हो गए. सो फर्स्ट 2 मीटर के लिए हम लोगों ने लिया था 16, क्योंकि अबव ग्राउंड वाटर टेबल आपका 16 है. नाउ बिलो ग्राउंड वाटर टेबल
ये 19 है, ये कॉन्सेप्ट आप ऐसा भी समझ लो ना, बिलो ग्राउंड वाटर टेबल सैचुरेटेड हो गया तो इसकी यूनिट वेट बढ़ गई, बट वो हमें नहीं जानना है, वो मैं आपको बस समझा रहा हूँ। रेस्ट 5 मीटर के लिए तो आप कैलकुलेट करो, ये तो फर्स्ट हमने इनिशियल 2 मीटर के लिए कैलकुलेट किया, नेक्स्ट 5 मीटर के लिए एरिया 3 × 5 × वैल्यू के की सेम होगी, गामा विल बी 19 × L दिस टाइम इज, यहां पर L 2 लोगे या 5 लोगे, L यू विल टेक 2 और L यू विल टेक 5, ये यहां पे आप बताओ गामा L की वैल्यू क्या लोगे, वेदर यू विल टेक L 2 और L 5। बट इस केस में ऐसा कहां हो रहा है, फर्स्ट 2 मीटर के लिए तो ये फॉर्मूला ठीक था, आपने मैंने यहां पे लिखा भी नहीं और आपका सही भी आ रहा होगा, बट सेकंड केस में ऐसा कैसे हो जाएगा, सेकंड केस के लिए तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, सो इस हाइट तक तो ऑलरेडी 16 × 2 है, और इसके बाद की अब आप ले लो, अब इसकी एवरेज लो, यहां पे जीरो नहीं था इसलिए ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। सो नाउ 16 × 2 प्लस 19 − 9.81 दैट मीन सबमर्ज्ड इनटू 5 डिवाइडेड बाय 2 करो आप, रेस्ट आपके होंगे 10.23। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, फाइनल वैल्यू जो भी निकल के आएगी दैट विल बी दिस, ये आंसर आपका फाइनल आंसर आएगा, इट विल बी 390.8 kN, 390.8 kN। सो दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं था, बट इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए आपको दिया था कि गेट का ही आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चेंज था। जनरली भी आप क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ के लिए लेते हैं, नेक्स्ट हाफ के लिए लेते हैं और ऐड कर देते हैं, बट नेक्स्ट हाफ में आप यहाँ क्या लिख देते हैं, 19 × 5। वो 19 × 5 कैसे लिख सकते हो, इसलिए मैंने ये पहले आपको यहां तक तो लिख लिया मैंने, बट इसके बाद मैंने आपको कंडीशन समझाया। अगर आप में से किसी ने ये लॉजिक लगा के खुद से सॉल्व किया है देन वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जैसे एक लाइन में हमने फॉर्मूला सॉल्व कर दिया ना, ये फॉर्मूला इतना फॉर्मूला तो बहुत आसान था, बट यहाँ कॉन्सेप्ट इतने आसान नहीं थे, मिस्टेक होते हैं और एग्जाम में तो डेफिनेटली होते हैं आपसे, कई लोगों को तो पता नहीं चल पाता इसे सॉल्व कैसे करना है, जबकि आप देख लो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज किया ना आपने, यहाँ पे कुछ भी और फॉर्मूला यूज नहीं किया, सेम फॉर्मूला यूज किया, हमें तो सिर्फ फाइंड ही करना था फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। फर्स्ट हाफ पार्ट जो एंड बेयरिंग है वो तो यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्वेश्चन में कंसिडर करने को नहीं दिया गया है आपके। सो दिस इज ऑनली द लॉजिक। सो याद मत रखना आप हमेशा गामा एल बाई टू, वो गामा एल बाई टू क्यों है स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, क्योंकि आप फ्रॉम स्टार्टिंग कैलकुलेट कर रहे हो। अब ये पूरा एक ही साथ 0 to 7 तक अगर हम कैलकुलेट करना होता हम गामा एल बाई टू ही लेते, क्योंकि स्टार्ट और एंड था, स्टार्ट पे जीरो होता यहाँ पे गामा एल होता, सो 0 + γ/2। बट सेकंड केस में तो हम यहां से ले रहे हैं ना, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो सेकंड केस में जब आपने यहां से लिया तो आपका जीरो कैसे हो जाएगा, यहां तक जो वैल्यू थी उस वैल्यू को भी तो आपको लेना पड़ेगा प्लस ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो वो एवरेज स्ट्रेस है आपका। याद मत किया करो किसी फॉर्मूलों के, पहले समझा करो कैसे, जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं खुद बता देता हूँ, जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है वहां मैं नहीं बताता हूँ, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखने के बाद ऊपर में लिखा था, बाकी फॉर्मूले के लिए नहीं लिखे, सिर्फ इसी फॉर्मूले के लिए लिखा था, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और मिस्टेक यहां से होती है हमेशा। सो दैट इज 390.8 kN answer of first question. Now we'll solve the second question. Second question हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे find कर सकते हैं. We'll see second question. A single vertical friction pile of dia 500 mm and length 20 meter is subjected to a vertical compressive load. The pile is embedded in a homogeneous sandy stratum where angle of internal friction is 30 degrees. Drive unit weight 20 kN/m³, angle of wall friction 2π/3, considering k equal to 2.7 and bearing capacity factor nq equal to 25, what will be the ultimate bearing capacity of pile? Same question hai, try karo khud se solve karne, try to solve this question, bilkul previous concept ki tarah hai, yahan pe dekho aap is question ko kaise find kar sakte ho, सिंगल वर्टिकल फ्रिक्शन पाइल फाइंड क्या करना है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, और लिखा हुआ है फ्रिक्शन पाइल, दैट मींस एंड बियरिंग का कोई रोल नहीं है हमारे पास। सो सॉल्यूशन विल बी क्यू यू पी इक्वल टू ए एस इंटू के गामा एल बाई टू इंटू टेन फाइव। वैल्यू क्या होगी आपकी, ये tan 5 होती है, बट कभी भी आप इसको कोफिशियंट ऑफ इंटरनल एंगल फ्रिक्शन मत ले लेना, वो हम लोग सीयर स्ट्रेंथ में देखते थे, यहां पे हमेशा ये वॉल फ्रिक्शन होता है आपका। फाइंड इट, AS क्या हो जाएगा यहां पे, AS क्या होगा,
ये एस होगा आपका सर्कुलर पाइल है, दैट मीन सरफेस एरिया क्या था, पाई डी एल। सो पाई डी की वैल्यू कितनी है, एमएम है, मीटर में कन्वर्ट करो, 0.5 मीटर इंटू एल इज गिवन 20 मीटर, इंटू के की वैल्यू कितनी गिवन है, के वैल्यू इज गिवन 2.7। सो 2.7 इंटू गामा की वैल्यू है 20, एल की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई 2, टैन। फाइव की वैल्यू आप क्या लोगे, फाइव वैल्यू विल बी, वॉल फ्रिक्शन है 2 5/3, सो डेल्टा इक्वल टू 2 5/3, सो 2 × 30/3, सो दिस विल बी 20। ये वैल्यू होगी आपके पास 20, दिस वैल्यू विल बी 20, दिस वैल्यू विल बी 20। यहां पे पुट करो वैल्यू tan 20, कैलकुलेट दिस। अब इस केस में आप देखो, इस केस में हमने गामा एल बाई 2 के केस में यहां पे हमने कोई भी जरूरत नहीं था, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपने एक ही बार में यहां कंसिडर किया, यहां वाटर टेबल ऐसा कुछ भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी। सो इस केस में आप देख लो क्या होता, स्टार्टिंग पे हमारे पास अगर ये 20 मीटर है, ये कंप्लीट 20 मीटर है, सो हमने एक साथ 20 मीटर कंसिडर किया है। सो टॉप पे जीरो होगा, बॉटम पे गामा एल होगा, सो जीरो प्लस गामा एल बाई 2 वो गामा एल बाई 2 ही रह जाएगा, बट प्रीवियस केस में ऐसा नहीं था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू केसेस। यहां जो भी वैल्यू आ रही होगी आपकी क्यू यूपी के, find it that value will be in kilonewton. वो final answer क्या, मैं final answer आपको दे दे रहा हूँ, that answer will be 6174 kilonewton. This will be 6174 kilonewton. Use your calculator, try to solve that question. कुछ नहीं है, सिर्फ values put करना है. This was also 2 marks question of your previous great year. So यहाँ पे numerical value enter करना होता है आपको, so that will be 6174. So this is the first half of pile foundation, जहाँ पे हमने देखे static method क्या है एंड डायनेमिक मेथड क्या है। बिफोर दैट वी सॉ कि टोटल अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आप फाइंड क्या करते हो। सो दैट अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एंड बेयरिंग रेसिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेसिस्टेंस। अब ये दोनों क्वेश्चंस में आपके मेंशन थे कि यहाँ पे आपको सिर्फ स्किन फ्रिक्शन ही फाइंड करना, अगर एंड बेयरिंग भी फाइंड करना होता तो वहां पे हमारे पास वैल्यूज गिवन होते उसके लिए, सो दैट वी कुड फाइंड एंड बेयरिंग रेसिस्टेंस। सो नेक्स्ट सेकंड हाफ, सेकंड पार्ट ऑफ दिस पाइल फाउंडेशन इज रिलेटेड विद फील्ड टेस्ट एंड ग्रुप इफिशियंसी। सो ये फील्ड टेस्ट क्या है, ग्रुप इफिशियंसी क्या है, विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ पाइल फाउंडेशन।